हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ट्रेंडिंग एंड ब्यूटीफुल स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है अपना स्लीव्स। तो ये हमारा डबल फोल्ड में है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच और इसकी लंबाई मैं ली हूँ 20 इंच। तो फ्रेंड्स, आपको जितना भी अपना स्लीव्स का लेंथ रखना है तो उससे हमें 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है। देन फिर इसके मिडिल पर हम इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट का मिडिल वाला पार्ट है। देन फिर हमें इस तरफ से 1 इंच का मार्क कर देना है। तो पूरे पर हमें 1 इंच का मार्क कर देना है। तो मार्क करने के बाद हमें उसको इस तरह से लाइन अप कर देना है। तो पूरे को लाइन अप करने के बाद हमें दूसरी ओर भी इसी तरह का एक लाइन कर देना है। तो दोनों साइड पर हमने 1 इंच का लाइन कर दिया है। देन फिर नीचे से हमें ऊपर की ओर 1 इंच का इस तरह से लाइन करना है। तो इसी तरह से हमें लाइंस को रिपीट करते जाना है। तो पूरे पर हमने लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं और इस तरह से देखिए हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस क्रिएट हो चुके हैं। देन फिर हमें बॉक्स के अंदर लाइंस बनाने हैं इस तरह से। तो 1 बॉक्स को छोड़कर हमें अनदर बॉक्स पर इस तरह से लाइन बनाने हैं। यू कैन सी हम एक बॉक्स को छोड़ रहे हैं और दूसरे बॉक्स पर लाइंस बना रहे हैं। तो सेम हमें दूसरी ओर भी लाइंस बनाने हैं। तो जिन बॉक्सेस पर हमने लाइंस क्रिएट किए हैं उन बॉक्सेस को छोड़ देना है और दूसरे बॉक्सेस पर इस तरह से लाइंस बनाने हैं और ऊपर की ओर इस तरह से लाइंस खींचकर बनाने हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पर लाइन अप कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नीडिल और थ्रेड। तो नीडिल को हमें जो पिंक वाला लाइन क्रिएट किया है तो उस पर नीचे से हमें एंटर करना है और ऊपर की ओर इस तरह से स्टिच लगाकर दोनों को इस तरह से लॉक कर देना है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। देन फिर दूसरी तरफ हमें स्टिच लगाना है। तो इसको हमें ऊपर से लेना है, ये जो पिंक वाला हमारा लाइन है तो उसको हमें ऊपर से लेना है और नीचे को एंड पर इस तरह से एंटर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। होप कि आपको समझ आ रहा होगा इस तरह से। तो स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। सेम हमें दूसरी तरफ नीचे से नीडल को एंटर करना है और ऊपर को इस तरह से मिलाते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच को पक्का कर हमें एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। तो सेम दूसरी तरफ हमें नीडल को एंटर करना है ऊपर से इस तरह से। देन फिर लाइन के नीचे हमें इस तरह से मिलाते हुए इसको स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इसको स्टिच करना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। और उसको पक्का कर लेना है। तो इसी तरह से हमें पूरे पर ऐसे लाइंस को स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पूरे पर इसको स्टिच लगा दिया है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट इस तरीके का डिज़ाइन हो गया है। यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल तरीके से तैयार हो गया है। देन फिर ये जो लाइंस दिख रहे हैं तो लाइंस को हमें प्लेट्स डालने हैं। तो जितना भी आपका प्लेट्स बन पड़े इस पर हमें डालकर स्टिच लगा देनी है ताकि हमारा फुल्ली डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।
तो इस तरह से पूरे पर हमने स्टिच लगा दिया है वन साइड, तो दूसरी ओर भी हमें इसी तरह से स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पर प्लेट्स डाल दिए हैं और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आ गया है। देन फिर हम बटन पर ये जो खुला हुआ पार्ट है इस पर एक और छोटा सा स्टिच लगा देंगे। देन फिर मैं ले रही हूँ एक फैब्रिक की पट्टी जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और इसकी लंबाई है हमारे 12 इंच। तो फैब्रिक को हमें स्लीव्स के ऊपर इस तरह से रखकर उस पर स्टिच लगा देनी है हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो स्टिच लगाने के बाद इसको हमें पलटा देना है। देन फिर हाफ हाफ इंच फैब्रिक को इस पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद हमें इस पर अपने फिटिंग का स्टिच लगाना है, तो इसको डबल फोल्ड कर देना है और फिर इस पर अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा एक ब्यूटीफुल एंड ट्रेंडिंग स्लीव का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्लीव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।